बच्चों से उठवाई जा रही हैं कुर्सियां व मेजें, शिक्षा का हुआ बुरा हाल, बच्चे बन रहे लेबर। खबर उत्तर प्रदेश बाराबंकी। लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले के विकास खंड त्रिवेदी गंज क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय गनहरी में शिक्षक द्वारा बच्चों से उठवाई जा रही कुर्सियां व मेजों की तस्वीरें ये बताने को काफी हैं कि आज हमारी शिक्षा का स्तर किस कदर कुछ शिक्षकों के कारण गिरता जा रहा है। ज्ञान के मंदिर में शिक्षा ग्रहण करने आए नौनिहालों को श्रमदान की आड़ में मजदूर बना दिया गया है। प्राथमिक विद्यालय गनहरी के इंचार्ज प्रधान अध्यापक द्वारा शिक्षक संकुल की बैठक कराई गई थी, जिसमें स्कूल के बच्चों द्वारा ही कुर्सियां व मेज बाहर लगवाई गई। यही नहीं, बैठक के खत्म होने के बाद दोबारा बच्चों से ही मेज व कुर्सियां वहां से हटवाई गई। विद्यालय में जब भी कोई कार्यक्रम व बैठक होती है उसमें बच्चों से ही ये कार्य कराया जाता। ऐसा नहीं है कि उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं, लेकिन वो भी अनजान बने रहते हैं। बच्चों से पढ़ाई की जगह यही सब कार्य कराए जाते हैं। बच्चे विद्यालय पढ़ने आते हैं, लेकिन वो सजा मिलने के डर से विद्यालय के कार्य करने लगते हैं। अधिकतर विद्यालयों में बच्चों के साथ यही हो रहा है। बच्चे रोज सुबह स्कूल आकर सफाई करते, अध्यापक की कुर्सी साफ करते, फिर अपनी बेंच या दरी बिछाते हैं, वह स्कूल की बेल लगाकर स्कूल प्रारंभ करते हैं। प्रतिदिन बच्चों के इन्हीं कार्य से विद्यालय की शुरुआत होती है। शिक्षा देने की जगह बच्चों से करवाया जा रहा है काम। बच्चों के भविष्य की इन अध्यापक को जरा भी चिंता नहीं है। अध्यापक के ऐसे नीच कार्य पर उच्च अधिकारी भी मौन है। वही ऐसे अध्यापक पर कोई कार्रवाई न किए जाने के चलते बच्चों के भविष्य को लेकर खिलवाड़ करने वाले अध्यापकों के हौसले बुलंद हैं और वह इन्हें स्टूडेंट के बजाय लेबर बनाने पर आमादा है। ये थी आशीष वर्मा की खास रिपोर्ट। कौन से गांव रहते हो? किस स्कूल में पढ़ते हो? यहाँ आपको मास्टर ने आज किस लिए बुलाया था? मेजे उठाने धरने के लिए। आप सुबह कितने बजे स्कूल आए हो? 9 बजे। अब मेजे जो बाहर हैं उनको अंदर करोगे?